हेलो दोस्तों, देव इलेक्ट्रिकल टेक्निकल चैनल की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम आपको उन्नति की 1.5 HP मोटर का पंप फिटिंग करना बताएंगे आपको, इसका पंप किस प्रकार फिटिंग होती है इसकी। दोस्तों, ये 13 स्टेज का पंप है और 1.5 HP की ये मोटर है और इसकी पुराने एम्पुलर निकाल दिए गए पूरी और ये नए एम्पुलर डालेंगे हम इसके अंदर। देखिए दोस्तों, एम्पुलर की साइज कोरा 4A7। देखिए दोस्तों, आप बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में, आप एक एक चीज आपको क्लियर कराएंगे। ये हमारे नए वाले एम्पुलर है दोस्तों। सबसे पहले हम ये एम्पुलर बिठाएंगे, ये लगा के एम्पुलर बिठाएंगे दोस्तों। इसके और इसके बीच में चाल नहीं आई थी तो मैंने इसके अंदर सिम वाशर लगा दिया। अब देखिए चाल, चाल रहनी चाहिए दोस्तों। ऊपर से हम ये लगाएंगे दोस्तों इसका डिफ्यूजर। दोस्तों इसकी चाल सेट कर लेंगे, इसको देखिए दोस्तों, एक मिनट पकड़ना। ये इस प्रकार चाल देख लेंगे ये वाशर लगा के हम दोबारा फिटिंग करेंगे इसकी सिम वाशर लगा के दोस्तों। इसका मेन ये नीचे नीचे की चाल रहती है, शुरू शुरुआत में आपको थोड़ी परेशानी आती है, चाल सेट करने में थोड़ा टाइम भी लगता है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार इसकी चाल देखती रहनी चाहिए बीच बीच में हर एक एम्पुलर के बाद में। और दोस्तों, वीडियो देखने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए आप। मैं ऐसे ही रोज रोज नई नई वीडियो लेके आता रहूंगा आपके लिए।
देखे दोस्तों, मैं हमने लास्ट में बुश लगाई इसके अंदर, और ये चाल देखेंगे हम। वो दोस्तों इसके अंदर मैंने इथो क्रॉसर लगाए हैं, जब ये पंप ऊपर उठेगा तभी इसके टकरा के वापस, ज्यादा एम्पुलर ऊपर तब चिपकेगा नहीं, इसलिए हमने इथो क्रॉसर लगाए थे यहाँ पे। और ये हमारी बुश है, स्लीव है, ये कसने के बाद में हम इसकी चाल देख लेंगे नीचे से। दोस्तों ये फिट करने के बाद में हम ये चाल देख लेंगे इस प्रकार। जब ये ऊपर उठता है तब इसके नीचे एक टॉप वाशर है, वो टॉप वाशर इस बुश से टकरा जाता है और हमारे एम्पुलर ज्यादा ऊपर नहीं आते। ये हमारे बिल्कुल सही, एकदम बिल्कुल सही चाल है इसकी। अब इसके हम ये पाइप लगाएंगे, ये कंप्लीट हो जाता है हमारा इस पूरा। इस प्रकार इसकी फिटिंग होती है। तो दोस्तों हमारा 13 स्टेज है, और कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।